हे गाइस, सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। इसका बेसिक समझेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे किया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट स्टार्ट दिस डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। अब अगर टेक्नोलॉजी को सिंपली बोला जाए, इट इज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अवर नॉलेज। मतलब हमें जो भी नॉलेज है, अगर हम उसको प्रैक्टिकली प्रूव कर पाए, वो एक टेक्नोलॉजी होती है। लाइक जैसे आपको, अगर मान लीजिए आपको लिखना आता है, आपको पता है हाउ टू राइट, कि लिखना कैसे है, आपका नाम क्या है या आपके बारे में कुछ भी, आपको सब कुछ लिखना आता है। लेकिन आप लिखे किसकी मदद से, पेन, पेंसिल, या फिर आप वेदर इंक और मोर पंख से भी अगर आप लिखे ना, वो जो हो गए ना सोर्स, वो हो गई टेक्नोलॉजी, कि पेन ने ये चीज़ करके दिखाई। आपको आता था, आपके पास नॉलेज थी, लेकिन प्रैक्टिकली आपने कैसे, किस चीज़ से उसको किया, वो होती है टेक्नोलॉजी। तो पेन का इन्वेंशन भी एक टेक्नोलॉजी है, पेंसिल की भी एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी इज़ बेसिकली द एप्लीकेबिलिटी ऑफ अवर साइंटिफिक आइडियाज़ फॉर मेकिंग सम इम्प्रैक्टिकेबल थिंग्स प्रैक्टिकेबल। कुछ इम्प्रैक्टिकेबल सा दिखने वाली चीज़ अगर प्रैक्टिकल हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कि ये किसकी मदद से हुई है, टेक्नोलॉजी की मदद से हुई है। और अगर हम इसी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करें, जैसे हमने अगर कोई भी टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी है, हम उसे किसी और को दे दें, सिंपली वो हो जाता है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। सो आगे चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कितने तरीके से हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो सिंपली हमने इसे दो ब्रॉड क्लासिफाई किया है इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड सेकंड इज़ वर्टिकल। सो पहले समझते हैं वर्टिकल क्या होता है। देखिए, वर्टिकल जब भी नाम आएगा ना, इसका मतलब है कि आपका जो सोर्स है वो सेम है। मतलब जैसे कि वर्टिकल में क्या होता है, हम इसको इंटरनली ट्रांसफ़र करते हैं, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। लाइक एग्जांपल से समझिए, जैसे किसी भी एक कंपनी ने कोई भी एक चीज़ इन्वेंट करी, तो उस इन्वेंशन में जो भी है, कोई एक पर्सन इन्वॉल्व नहीं होगा उसमें, काफ़ी सारी, या तो हम बोल सकते हैं काफ़ी सारी टीम्स इन्वॉल्व होगी, या फिर काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, या फिर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। अब एक डिपार्टमेंट ने सबसे पहले बेसिक रिसर्च करी कि हमें ये टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए, फिर उसने जो भी उसका रिजल्ट निकला, उसने दूसरे डिपार्टमेंट को कैरी फॉरवर्ड किया। अब उसने कुछ उसमें चेंजेस करे या फिर अपने एड ऑन किया, नाउ उसने फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करके फाइनली एक प्रोडक्ट डेवलप हुआ। इसे आप समझ सकते हैं कोविड वैक्सीन के एग्जांपल से। लाइक हमने देखा कि कोविड वैक्सीन के कई सारे स्टेप्स में डेवलप हुई है, और उसके फिर काफ़ी सारे टेस्ट भी हुए एनिमल पे, ह्यूमन पे फाइनली। सो हुआ कैसे, सबसे पहले किसी कुछ ग्रुप ऑफ, या फिर टीम बोल सकते हैं हम, किसी एक टीम ने एक बेसिक रिसर्च करी होगी, फिर उसने उसको जाना कि अच्छा ये कोविड कहाँ से आया है, इसके क्या सिम्टम्स है, ये सब चीज़ें अपना डेटा कलेक्ट करके उसने अगले डिपार्टमेंट को भेजा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि अच्छा इसमें हमें इस तरीके से वैक्सीन का प्रोडक्शन करना चाहिए, तो उन्होंने कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन फिर आगे फाइनली फॉरवर्ड करी, और फाइनली वैक्सीन हमारे सामने आई। तो ये क्या है, ये सब जो भी हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो भी नॉलेज है उसको हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड करके एक फाइनली चीज़ को, एंड रिजल्ट को बनने में मदद कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी वर्टिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। यहाँ पे हम सिंपली इसे बोल सकते हैं इंटरनल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ ट्रांसफ़र इज़ मोस्टली कैरी आउट बिटवीन रिसर्च एसोसिएशंस, यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट्स एंड अमंग अदर्स। तो ये वर्टिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है। अब हम समझते हैं हॉरिजॉन्टल। नाउ हॉरिजॉन्टल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में क्या होगा, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगी। व्हेन द टेक्नोलॉजी दैट हैज़ ऑलरेडी बीन पुट इन प्लेस और यूज विद इन वन ऑर्गेनाइजेशन इज़ फर्दर ट्रांसफर्ड एंड यूज इन अनदर प्लेस, द ट्रांसफ़र इज़ नोन एज हॉरिजॉन्टल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। और इसे हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल, बिकॉज ये एक ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की बात कर रहा है। एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर टेक प्लेस बिटवीन प्राइवेट कंपनीज,
स्मॉल एंड लार्ज बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन है अमंग अदर्स, एक प्राइवेट कंपनी ने कोई चीज़ इन्वेंट करी। अब जैसे हम फिर से कोविड के एग्जांपल ले सकते हैं, एक कंपनी ने वैक्सीन बनाई, मान लीजिए स्पुतनिक वी जो रशिया की थी, उसने क्लेम किया उसने सबसे पहले बनाई। अब उसने अपनी टेक्नोलॉजी मान लीजिए किसी और को भी चाहिए, तो उसने वो फॉर्मूला जो भी है वो किसी और को दे दिया। ऑल दो ऐसा हुआ नहीं, बट ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तो उसने अगर किसी और को भी दे दिया तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। नाउ व्हाट आर द फोर्सेस इनिशिएट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब कौन से ऐसे कारण हैं जिसके लिए हमें टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना पड़ता है, क्या होती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, क्यों होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी पुश, इसका मतलब है जब टेक्नोलॉजी अपने आप को खुद पुश करे मार्केट में। जैसे किसी ने कोई भी एक चीज़ इन्वेंट करी, अब उसने उसका पेटेंट लिया, लाइसेंस दूसरों को भी दे दिया। जब किसी ने एक टेक्नोलॉजी बनाई और उसका लाइसेंस स्वेच्छा से अपनी इच्छा से किसी और को भी देना शुरू कर दिया, तो वो क्या हो गया, टेक्नोलॉजी पुश, हमने टेक्नोलॉजी को पुश कर दिया मार्केट में। तो ये होता है टेक्नोलॉजी पुश, जो कि एक फोर्स है जो इनिशिएट करता है TOT को। पढ़ते हैं इसके बारे में, दिस टेक्स प्लेस व्हेन अ कंपनी पेटेंट्स इट्स इन्वेंशन एंड लाइसेंसेस इट टू अदर कंपनीज। सिंपल, दिस प्रोसेस इज कॉमन विद यूनिवर्सिटीज रिलेटेड इन्वेंशंस बिकॉज यूनिवर्सिटीज आर नॉट इन चार्ज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द इन्वेंशन देमसेल्फ। जैसे यूनिवर्सिटी को कोई चीज़ चाहिए, मान लीजिए यूनिवर्सिटी को कोई प्लेजरिज्म चेक करने का सॉफ्टवेयर चाहिए, अब क्या होगा, वो अपने सॉफ्टवेयर थोड़ी बनाएगी, उसने तो जहाँ भी जिसके पास भी वो टेक्नोलॉजी है वो अपने आप उससे ले लेगी। तो ये क्या हो गया, टेक्नोलॉजी उन्होंने हमें ट्रांसफ़र कर दी, तो ये हो गया टेक्नोलॉजी पुश। नाउ नेक्स्ट इज मार्केट पुल, जब मार्केट की डिमांड किसी टेक्नोलॉजी को आने में मजबूर कर दे। सबसे बेस्ट एग्जांपल है COVID-19 की वैक्सीन। क्यों, क्योंकि अगर कोविड नहीं आता तो हम क्या उसकी वैक्सीन बनाते, नहीं बनाते, और क्यों बनाए जब उसकी नीड ही नहीं है। तो सिंपली क्या हुआ, उसकी नीड बनी मार्केट में और हमें वो इन्वेंशन करना पड़ा। तो ये क्या हो गया, मार्केट पुल, जब मार्केट ने खुद टेक्नोलॉजी को कहा कि आइए और यहाँ पे आपकी ज़रूरत है, तो ये क्या हो गया, मार्केट पुल। फॉर एग्जांपल में देखिए COVID-19 वैक्सीन के एग्जांपल भी है, सो यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल स्पिल ओवर, मतलब जब टेक्नोलॉजी खुद इतनी फैल जाए तो उसे बोलते हैं हम टेक्नोलॉजिकल स्पिल ओवर। कैसे, दिस टेक्स प्लेस व्हेन एनी एडवांसेस इन वन एरिया स्टिमुलेट्स प्रोग्रेस इन अनदर। जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए एक एरिया में कि दूसरा एरिया में वो अपने आप फैल जाए, ठीक है, इसे बोलते हैं हम टेक्नोलॉजिकल स्पिल ओवर। टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली फैल गई है या फिर उसकी नीड दूसरी जगह भी महसूस कर ली गई है। इसका अगर मैं एक एग्जांपल बोलूँ तो ये हो सकता है, आप मान सकते हैं लाइक न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ठीक है, क्या हुआ कि किसी एक कंट्री ने बनाया, अब वहाँ की प्रोग्रेस देखते हुए या फिर वहाँ उसके बेनिफिट्स देखते हुए वो टेक्नोलॉजी दूसरी कंट्रीज ने भी अडॉप्ट कर ली। ऑल दो ये सबके लिए बनाना मुश्किल है और बैन भी है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि एक ने बनाया, अमेरिका ने बनाया, फिर सबको लगा कि अच्छा इन्होंने ये बॉम्ब बनाई, ये तो अच्छा है, ये तो काफ़ी इफेक्टिव है, तो रशिया ने भी बना लिया, वो टेक्नोलॉजी वहाँ तक फैल गई, फिर उसको देखते हुए चाइना ने बना लिया, फ्रांस ने बना लिया, इंडिया ने बना लिया बाद में। तो ये सब क्या है, ये टेक्नोलॉजी का स्पिल ओवर हो रहा है, ठीक है, सो इसे हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल स्पिल ओवर। तो चलिए आगे चलते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।